जब किसान शांतिप्रिय तरीके से चलकर रोड की तरफ बढ़ रहे थे, तब उसी समय बिना किसी वार्निंग के पुलिस ने फायर किया था, और उसी जगह पर जहां पे हम थे वहां पे दो किसान उसी जगह मर गए थे, शहीद हो गए थे, और तीन को मतलब घायल हुए थे उसी जगह पर, तीन घायल हुए थे। उसके बाद बाकी तीन को पुलिस थाने में गोली मारी गई और एक को पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर पुलिस थाने में मार दिया। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, मैं वहाँ पे उस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पे किसान की मूर्ति लगाई गई है, जो मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई पुलिस की गोली से। कन्हैया लाल जी की मूर्ति लगाई गई है, ये किसने लगवाई है? क्या गाँव ये गाँव का सामूहिक अनुदान, मतलब सभी गाँव वालों ने आपस में चंदा करके पैसा इकट्ठा किया और उनकी मूर्ति की स्थापना की। कैसे उनको याद कैसे करनी है? जैसे कि हर त्यौहार पर यहाँ पे बकायदा, जैसे दीपावली है, दीपक जलाकर हम उनको याद करते हैं। जब वो शहीद हुए थे, जिस दिन वो शहीद की एक सभा करके हम उनको याद करते हैं। वो हमारे बीच, हमारे दिल में बसे हैं, क्योंकि ये एक आकस्मिक सरकार की गलती से होने वाली शहीदी है। क्या उन्हें ये गोली चलाना जरूरी था? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। घटना भी बोल सकते हैं उसको, हम घटना वो जानबूझकर से कि किसी प्रकार से इसको रफा दफा किया जाए, इस आंदोलन को खत्म किया जाए और कुछ नहीं था। अच्छा, ये उसके बाद, उस आंदोलन के बाद कुछ बदलाव हुआ, कुछ लोग कुछ चीजें मिली? जी बिल्कुल, आज इन 6 किसानों जो शहीद हुए हैं उनसे सरकार को धक्का तो लगा, लेकिन वो धक्का केवल एकमात्र आंशिक लगा। अभी भी वो कुछ योजनाएं चालू कर रहे हैं जो लोगों को एक प्रकार से केवल बहलाने के लिए है, जैसे कि भावांतर चालू किया उन्होंने। तो भावांतर योजना केवल 2 महीने के लिए, ये योजना पूरे साल चलना चाहिए, तब जाके किसान को लगेगा कि हाँ, हम अपने उपज यार अपने हिसाब से बेचेंगे ना भाई, उनके हिसाब से क्यों बेचेगा? आप कह रहे हो कि दो महीने में आप पूरी उपज बेच दो, क्यों? हमारी उपज है। कभी हम भी सोच सकते हैं कि कभी अगर पैसा ज्यादा आ जाए, हमें जो जिस योजना से आपकी सरकार जो उठा रही है, अगर पूरी साल अगर भावांतर योजना चालू हो तो उससे क्या होगा, किसानों को एक प्रकार से कंपटीशन भी बनेगा बाजार में। अफीम की हम खेती करते हैं, उसी दिन से लागत लगाना पड़ती है। नील गायों की खेती तो उसके लिए इंगल लगाना पड़ती है, शहीदों पे पूरे खेत के फिर उसकी जाली लगाना पड़ती है। गुस्सा तो वैसे किसानों के पास भाव नहीं मिलता तो गुस्सा तो आएगा ही, किसान का भाव मिल जाता तो किसान को गुस्सा आता ही नहीं। किसानों को उपज का मूल्य मिलेगा, उपज का सही मूल्य मिला नहीं तो किसान को गुस्सा आना स्वाभाविक की बात है, उसके पूर्ण नहीं पड़ रहा है। 3 सालों से जब उपज का मूल्य नहीं मिला किसानों को, सोयाबीन जहां 4,000-5,000 बिकती थी वो 300 से अंदर 2,500 के आसपास बिकने लगी। अब उस 2,500 रुपए में एक किसान अपना घर का खर्च चलाएगा, एक किसान अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाएगा, एक किसान क्या इलाज के लिए दर दर भटकेगा? वही मांग को लेकर कि हमें एक उचित मूल्य मिले, जो स्वामीनाथन आयोग का एक मूल रूप है रिपोर्ट में, कि हमें किसानों को संपूर्ण मूल्य मिला जाए उनकी उपज का। मतलब पहले नहीं होता था कि किसान आंदोलन कर रहा है कोई, लेकिन वो मजबूरी में वो सड़कों पे है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की जो विजय मतलब ये है कि मतलब कि अपने फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, और जो मतलब कि पिछली बार जो सरकार ने जो वादा किया था 2013-14 के साल में जो चुनावी जो वादा था, तो उन्होंने मतलब कि किसानों को मतलब कि बेला फुसला के वोट तो ले लिए, बाकी जो मतलब उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को मतलब कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से भूल गई थी। तो अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब कि किसानों की ये जो कमजोरी थी कि अपने को मतलब कि फसलों को उचित दाम मिले, या फिर मतलब कि सरकार ने जो भी मतलब कि योजना बताई थी वो योजना भी किसानों तक नहीं आ पा रही थी। किसान जब पैदा करता है तो उसकी जो लागत होती है, जब उसकी उपज उसके घर के अंदर नहीं आती, उससे पहले पूरी लागत किसान लगा चुका होता है। सबसे मेन बात तो ये होती है। उसके बाद प्रकृति ने अगर उसका साथ नहीं दिया, उसके बाद अगर उसको उपज का सही मूल्य नहीं मिला, उसके बाद भी किसान अपनी इस धरती माता को पूजता है, उसके लिए अपनी हर भरकस कोशिश करता है, उसके बाद भी सरकारें जब हमें अनदेखा करती है, तब यही किसान, जो आज किसान, जो पढ़ा लिखा किसान है, कोई अब किसान वो वाला किसान नहीं रहा कि अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाएगा। आज का किसान पढ़ा लिखा है और वो अपनी
क्षमताओं के हिसाब से और आवाज उठाएगा, कैसे उसकी मांगों को अनदेखा करेगी सरकार। अच्छा, अभी मंडी में व्यापारी कह रहे थे कि किसानों को हर चीज मिल रही है और किसान ओवर प्रोडक्शन कर दे रहे हैं और जब चीजें सर एक तो बात बताता हूँ, मंदसौर के आसपास, मंदसौर जिला है सर हमारे आसपास, ठीक है, उसमें इन चार सालों में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी खेती की जमीन पे हुआ है। कम से कम 2000 बीघा की जमीन है जिसपे खेती होती थी, आज वहां पे मकान खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो जमीन भी कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो नहीं दिख रहा सरकारों को क्या? किसान जब अपनी मेहनत करता है, ठीक है, तो किसान हमेशा मेहनत इसीलिए करता है कि उसकी उपज पैदा हो। सबसे पहले तो उपज को पैदा करेगा वो, ठीक है, वो पैदा हो जाती है, उसके बाद वो बोलते हैं कि पैदा बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों बुलाते हो? जैसे कि दालें मोजाम्बिक वगैरह से जो मंगवा रहे हो, ठीक है, हाँ, इम्पोर्ट हो रही है। हम नई सरकार से पहले तो कर्ज माफी चाहेंगे, क्योंकि इन चार सालों में हमें जो नुकसान हुआ, कम से कम एक आंशिक भरपाई, हम उसको पूर्ण रूप से भरपाई नहीं बोल सकते, लेकिन एक आंशिक भरपाई हमारा कर्ज माफ करके वो हमें दे। दूसरी मांग, हमें उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि यह किसानों का हक है।